के लोगों से भी आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं बहनों बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े, उसमें कोई प्रयासों में कोर कसर नहीं रहेगी। मां भारती के बारे में जो कहा गया है, उसने हर भारतीय की भावना को गहरी ठेस पहुंचाई। एनडीए में दो आई पिरो दिए, दो गवर्नमेंट के आई पिरो दिए। पहला आई 26 दलों का गवर्नमेंट और दूसरा आई एक परिवार का गमन। विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ। सीक्रेट वरदान मिला हुआ है और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भला ही होगा। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है, अधीर बाबू को क्या हाल हो गया, उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना उसमें ये माहिर है। कांग्रेस बार बार उनका अपमान करती है। हम अधीर बाबू के प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करें। सूरज जी जरा जोर से हंस लीजिए।